आज की हमारे साथ चर्चा में है भोजन लो इतना थाली में बैठना जाए नाली के मुख्य सूत्रधार संदीप गुप्ता जी। आपने देखा होगा फेसबुक में भोजन लो इतना थाली में बैठना जाए नाली में, वो जो मुहिम है देहरादून में उत्तराखंड के अंदर, आपके स्वजन से आपकी मेहनत और लगन निष्ठा जो है उस निष्ठा के आधार को मानते हुए आपने वो मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम में हम आपके साथ जुड़े हैं, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं। संदीप जी, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि गौड़ जी जैसे अगर जागरूक लोग हमें मिल जाएं तो उत्तराखंड में ही नहीं, देहरादून में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में हमारी आवाज़ और ऊँची हो सकती है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कई सकारात्मक वीडियो डालते हैं, हंसी मजाक वाले वीडियो भी डालते हैं, तो वो ये भी डालें रोज़ रोज़ कि भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली। नहीं, मैंने देखा आपको जो है आप शादियों में जो है गले में थाली डालते हैं कि भोजन की बर्बादी रोकिए, लोगों से विनती भी करते हैं कृपया भरपेट भोजन ले, प्लेट भर भोजन ले, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो है ही बात, जब हम पेट भर भोजन की बजाय प्लेट भर भोजन लेते हैं तो निश्चित रूप से अन्न की बर्बादी होती है। और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हमने अपने धन से ही अन्न लेकर खाया है। हाँ बिल्कुल, धन उनका हो सकता है पर अन्न राष्ट्र की संपत्ति है, और जिस प्रकार प्रसाद का दाना मंदिर से हम निकलते हैं, अगर कहीं हमारा प्रसाद का दाना जमीन में गिर जाता तो उसे माथे पे लगा लेते हैं। जिस दिन हम लोग अन्न को भी प्रसाद समझने लगेंगे, जो कि है ही प्रसाद, उस दिन हम निश्चित रूप से भोजन की बर्बादी रोक पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास। धन्यवाद सेवादार जी। संदीप जी, आपको हमारा जो है हम बड़े भाई हैं, आशीर्वाद है पूरा कि आप लगन ईमानदारी से आपकी मुहिम चले। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जितने भी मेरे फेसबुक साथी हैं सब आपको आशीर्वाद दे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।